दिवाली पर गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम बनाएंगे शाही गुजिया। बहुत ही स्पेशल गुजिया होती है क्योंकि हम इसे बिना मैदा, बिना सूजी और बिना मावा के बनाएंगे। साथ ही साथ इसमें ना ही रोटी बेलने का टेंशन है और ना ही इसे तलने का, क्योंकि हम इसे बिना फ्राई किए हुए बनाएंगे। फटाफट से बनाओ और बस खाओ। साथ ही साथ हमारी यह गुजिया आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन से भी भरपूर है और बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आज की इस शाही गुजिया की रेसिपी को देख लेते हैं। तो एक बड़ी कटोरी भरकर हम लेंगे यहाँ पे मखाना, जिसे फॉक्स नट भी कहते हैं। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक रोस्ट कर लेते हैं, जब तक कि यह इस तरह से क्रंची ना हो जाए। मखाना को अलग प्लेट में निकाल देते हैं और उसी फ्राई पैन में अब हम 15 से 20 काजू और बादाम डाल के इन्हें भी हम 5 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इनकी नमी दूर हो जाए इतना ही रोस्ट करना है। अब हमारा मखाना भी हल्का ठंडा हो गया तो हम इसे मिक्सी जार में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। मखाना कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है और थकावट और कमजोरी को भी दूर करता है। अब हम उसी जार में ये काजू और बादाम डाल के इन्हें भी दरदरा पीस लेंगे। दरदरा डालने से इसका क्रंचीपन जो मुंह में आता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता डाल लिया है और अब डाल रही हूँ मैं 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे पिसा हुआ कोपरा भी कहते हैं और नारियल बुरादा भी कहते हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पर गुड़। गुड़ को मैंने इस तरह से कट करके लिया है। यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी के बराबर गुड़ डाला है। अभी इसे पहले अच्छी तरह से मसल लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसकी स्टफिंग को इस तरह से एकजुट करेंगे। बचा हुआ 1/2 कटोरी गुड़ और मैं डाल देती हूँ। कुल मिला के 1 कटोरी, जिस कटोरी से हमने नारियल बुरादा लिया है ना, उससे 1 कटोरी गुड़ आपको डालना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ थोड़ा सा ही दूध मुझे लगा और इस तरह का स्टफिंग बनकर तैयार हो गया। स्टफिंग बनकर तो तैयार है। अब हम गुजिया की आउटर लेयर बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इसे हम मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा घुमा लेंगे ताकि जो बड़े का पार्ट्स होंगे ना नारियल के, तो वो भी अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगे। इससे हमारी गुजिया बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल भी फटेगी नहीं। अब हम इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे और 1/2 कटोरी पीसी हुई चीनी डालेंगे। मैंने जब चीनी को पीसा था तो उसमें इलायची डाल दी थी। आप यहाँ पर अलग से इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। अब इस सारे मिक्सर को हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। दूध सिर्फ 1/2 कटोरी मुझे लगा और हमारा सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया। दूध का ध्यान रखें, आपको रूम टेम्परेचर पे लेना है, ज़्यादा गर्म या ठंडा दूध ना यूज़ करें। अभी दिवाली का सीजन है और त्योहारों पे तो मिठाइयाँ तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगी हो ही जाती हैं। इसके साथ ही साथ जो मावा होता है ना, वो भी बहुत ही मिलावटी मिलता है, उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता है। तो आप मिल्क पाउडर का इंस्टेंट मावा घर पर बनाकर गुजिया बना सकते हैं। मैंने इंस्टेंट मावा बनाने के बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको एक पन्नी लेना है, जिसमें कपड़े आते हैं ना, वही पन्नी आपको लेना है। अच्छी तरह से साफ कर ले और उसे घी से ग्रीस कर ले। यहाँ पे मैंने गुजिया बनाने का साँचा लिया है, इसे भी हम घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी गुजिया बिल्कुल भी चिपके ना। अब मावे का बड़ा सा बॉल बना लेंगे और उसे इस तरह से पन्नी से हम कवर करके हथेली की सहायता से फैला लेंगे। हमारा मावा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो ये आसानी से हथेली और उंगलियों की सहायता से फैल जाता है। हमें इसमें बेलन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर आप एक प्लेट रख के भी इसे दबा सकते हैं, उससे भी इवनली यह फैल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा साँचे का साइज है, उस साइज की मैंने यहाँ पर रोटी इसे फैला लिया है। यह आसानी से निकल भी गया था क्योंकि हमने इस पर घी लगा लिया था। तो अब हम साँचे पर इसे रख देंगे और हल्का सा, जिस साइज आपको स्टफिंग बनाना है ना, उस साइज हम हल्का सा इसे दबा देंगे और हमारी स्टफिंग इस तरह से रख देते हैं। स्टफिंग रखते हुए एक बात का ध्यान रखें कि इसके हल्के हाथों से रखें, ज़्यादा दबाए नहीं, अदरवाइज ये बाहर निकल सकता है। अब जो बीच का साइड होता है ना साँचे का, जहाँ से फटने का डर होता है गुजिया को, वहाँ पे हम हल्का सा प्रेस करेंगे, कॉर्नर्स पे प्रेस करेंगे और इस तरह से अब हम साँचे को लगा कर इसे हल्का सा दबाएंगे और जो बचा हुआ मावा है ना, उसे अलग निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्योंकि मावा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब मैं इसे खोल के दिखा देती हूँ और निकाल के भी बताती हूँ कि घी गुजिया कितनी प्यारी बनी है। बहुत ही आसानी से निकल गई है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है और सेब भी कितना प्यारा आया है।
इसी तरह से आपको सारी गुजिया बनाना है। मैं एक और गुजिया बना के आपको दिखाती हूँ। जब आप रोटी को फैलाएंगे तो उसका थिकनेस आपको अपनी नॉर्मल रोटी जो हम खाते हैं घर पे उससे डबल रखना है। हल्की सी यह मोटा रहेगा ना तो इसका फटने के चांसेस कम होते हैं। बीच में से अच्छी तरह से दबाएं, कॉर्नर पे अच्छी तरह से प्रेस करी और इस तरह से आटा निकालने के बाद उंगली एक बार इस तरह से फेर दे ताकि बहुत ही शार्प बन जाए। जितनी एजेस इसकी शार्प रहेगी, जितनी ये क्लीन बनेगी और जितना जैसे हम घी से ग्रीस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चमक भी आ जाती है हमारी गुजिया में, तो ये दिखने में बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो इसी तरह से अपनी सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लें। एक में बिना सांचे से गुजिया बनाना आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको दो छोटी छोटी सी रोटियाँ बेलना है, उसके ऊपर आपको स्टफिंग रखना है। एक छोटे साइज की कटोरी रख लें और साइड की एजेस जो रहती उसे फोक की सहायता से इस तरह से प्रेस कर दें ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हम फोक का जो पीछे का साइड आता है उससे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बना देंगे जिससे ये बहुत ही प्यारी दिखेगी फ्लावर शेप में, बिल्कुल मस्त एकदम। सभी पूछेंगे कि आपने इतनी प्यारी डिजाइन कैसे बना लिया। यह हमारी झटपट से जो गुजिया बनती है वो तो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अब हम इसे बिना गार्निश किए हुए कैसे सर्व कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात कि यदि आपकी गुजिया हम थोड़ी सी ड्राई हो गई है या हल्की सी टूट गई है तो आप इससे दूध लगाकर इस तरह से चिकना कर सकते हैं। चिकनाहट बहुत ही अच्छे से आ जाएगी गुजिया पे और ये बहुत ही प्यारी दिखेगी। ये फट भी गई है तो आप मावा लगा कि इसे आसानी से चिपका सकती है, ये कवर हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो हमारी सारी गुजिया बनकर तैयार है। तो अब हम इस पर थोड़ा सा येलो कलर लगा देंगे। मैं जो येलो कलर यूज़ करती हूँ ये वो येलो फूड कलर होता है जो जलेबी बनाने के या लड्डू बनाने के काम में आता है ना, वही कलर यूज़ करती हूँ। तो आप इसे बहुत से लोगों का ये डाउट होता है तो यह वीडियो देखने के बाद यह भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगा दिया है और इसके बाद हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता और केसर डाल के हमारी सारी गुजिया को गार्निश कर देंगे। वाह क्या बात है, तो बन गई है हमारी सारी यह साई गुजिया। देखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी दिख रही है, देखते से बच्चे तो छट कर जाएंगे। बहुत ही प्यारी बनी है और पीछे से भी आपको दिखा देती हूँ कि कितना अच्छे से बनी है, अच्छे से स्टफ हुआ है। इसे अभी मैं कट करके दिखाती हूँ, कट क्या करना है तोड़ के दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट गुजिया बनी है और हमारा जो स्टफिंग भी कितने अच्छे से स्टफ हुआ है। और गुड़ का स्टफिंग तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद वाला होता है। वाओ अमेजिंग। यदि आपको हमारा इस तरह से रेसिपी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री माता।